आपको अप्राइजल किया है कि देश में कुछ ऐसी वारदाताँ बढ़ रही है जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेटनिंग ही नहीं है, कंसर्न रखती है। अभी कुछ अरसा पहला पाकिस्तान में जो हैपनिंग हुई, हम सब ये जानते हैं कि 1947 में धर्म आधार पर उस वक़्त के जो लीडर साहबान थे उन्होंने अगर ठीक समझा तो धर्म पर ये दो टुकड़े बन गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन जो ही ये डिक्लेरेशन हुई, 1 लाख के करीब करीब हिंदू सिख का स्लाटर किया गया, स्लाटर बोल रहा हूँ, कतल नहीं, तो स्लाटर किया गया, क्योंकि जानवर को स्लाटर किया जाता है। इसी तरह वो 47 में स्लाटर हुए, लेकिन कुछ लोग जो थे वो वहाँ पर पाकिस्तान में रह गए, कुछ वजह से वहाँ से निकल नहीं सके या उनको पता नहीं चला। लेकिन उस वक़्त की जो हुकूमत थी, उस वक़्त के जो जिन्ना जी और पंडित नेहरू जी ने आपस में ये डिसाइड किया था, फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो इधर लोग रह गए हैं जो माइनॉरिटी के, उस वक्त पाकिस्तान क्योंकि धर्म पर बना था तो दैट वाज कंसर्न विद मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स, सो जो हिंदू और सिख थे और दूसरे कुछ जो कंसर्निंग हमारे जो क्रिश्चियन पारसी वगैरह, वो माइनॉरिटी का दर्जा उनको देना था। उन वक्त की जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने ये तय किया था कि इनको बाकायदा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक ढंग के साथ इनको ट्रीट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो सब हम लोग जानते हैं। तो उसे क्या हुआ कि इनका लियाकत अली और नेहरू जी का आपस में एक जो संधि हुई कि जो लोग, और महात्मा गांधी जी ने भी ये उस वक्त कमिटमेंट की कि जो लोग वो तो रह गए, जो आना चाहेंगे जो माइनॉरिटी के, उनको हम इधर वेलकम करेंगे और सिटीजनशिप देंगे। तो लेकिन क्या हुआ कि वक्त के चाल के साथ साथ उस वक्त जो पाकिस्तान बना 27% के करीब करीब, मतलब वो जो उस वक्त ये हिंदू सिख की पॉपुलेशन थी वो घटते घटते इस वक्त 2.5% रह गई, और उसके बाद वो जेनोसाइड शुरू हो गया। और अब आज हम पाकिस्तान से पूछते हैं कि वो 27% किधर गए, जब बरक्स हिंदुस्तान के हर कौम की जो मतलब पॉपुलेशन बढ़ी है, मामलन जो उस वक्त कुछ परसेंट थे इस वक्त 25% 23% है, तो हिंदुस्तान में एक सेकुलरिज्म में डेमोक्रेसी का एक एडमिनिस्ट्रेशन कायम हुई, और बरक्स उसके पाकिस्तान में वो जेनोसाइड शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। रिसेंटली जो नॉट टू टेक यूर मच टाइम, तो यो अभी जो पीछे एक सिख लड़की की जो उसका किडनैपिंग की गई, उसको जबरदस्त मुसलमान बनाया गया, उसके साथ शादी की गई, उसको टॉर्चर किया गया, बताइए ये किस धर्म में लिखा हुआ है? किसी धर्म में नहीं। मैंने राम जी को ले, कृष्ण महाराज को ले, हजरत मोहम्मद साहब को ले, उन्होंने हमेशा इज्जत दी औरत जात को, लेकिन आज औरत जात की इज्जत जो है पाकिस्तान में वो ग्राउंड में रुड़ती जा रही है। उसके बाद ननकाना साहब जो एक रेवर्ड सेंटर है, रेवर्ड मतलब गुरु नानक साहब का पैदाशी जन्मदिन है, गुरु नानक साहब को ऐसा कह गया है कि आप नारायण कला तार जग में परवरे, वो भगवान होकर रूप आए थे, और ही वॉज द ओनली स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो दूसरे के घर जाकर, ही ट्रेवल मोर देन 50,000 किलोमीटर ऑफ दिस, मतलब जो डिस्टेंस तय करके ऑन फुट जाकर, हाफ ऑफ द वर्ल्ड जाकर, उस वक्त की लुकाई को जाकर दरवाजों के टकराया। बाकी जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट हुए, जितने भी हुए, वो लोग जो थे उनके पास जाते थे, गुरु नानक साहब हर घर में गए जाकर, यहाँ पर ही अत्याचार होता था, यहाँ पर खुदा के नाम पर वंड होती थी, उन्होंने जाकर वनस ऑफ गॉड कि खुदा एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, आप उसको नामें। इवन गुरु नानक साहब मक्का गए, मक्का जाकर वहाँ के जो जीवन जो काजी थे और दूसरे जो हाजी थे उनको बताया, उनको कन्विंस किया कि भाई भगवान एक है, खुदा एक है, तो आप एक मानिए। तो अब उसके जन्म स्थान पर जो इट इज़ कॉल्ड मक्का ऑफ मतलब सिक्स, जो गुरु नानक साहब का ये ननकाना साहब है, तो उस पर आकर अटैक करना, उसको तोड़ फोड़ करना, उसको मतलब इस्लाम का नाम देना, वेयर इट इज़ गुरु नानक साहब, जब इनका आखिरला समा आया तो ये चादर लेकर लेट गए, और चादर लेकर जब लेट गए तो जब उनके फॉलोअर थे उनमें हिंदू भी थे, उस वक्त मुसलमान भी थे,
खालसा पंथ अभी बना नहीं था, तो हिंदू और सिख और जितने भी उस वक्त के जात पात के थे वो उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। तो जब उन्होंने देखा कि गुरु नानक साहब का तो ये अंत हो गया है, तो उन्होंने वो चादर उठाई, चादर में क्या देखते हैं कि वो देयर वॉज नो डेड बॉडी, वहाँ फ्लावर थे। वो फ्लावर लेकर आधे हिंदुओं ने उस वक्त रावी के कंडे उनका संस्कार किया अकॉर्डिंग टू अवर ओन रिचुअल्स, देन उसके बाद उनका जो फ्लावर थे वो मुसलमानों ने लेकर वहाँ पर दफनाई किए, वो आज तक